अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो यू ऑल नो दैट जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो सेकंड राउंड चल रहा है, आज उसका सिक्स डे था। ठीक है, कल कल तो नहीं है, ठीक है, परसों भी नहीं है, तो मंडे से आपको फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सीट मैट्रिक से, ये मंडे के लिए है, जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए है। ठीक, तो अगर किसी को प्रेफरेंस बताना होगा तो अकॉर्डिंगली वो मुझे पॉइंट्स के हिसाब से बता देना। ठीक, तो माशाल्लाह जितने स्टूडेंट्स को भी मैंने प्रेफरेंस बोली या जिसको बोला कि आपको ये कॉलेज मिला, अल्हम्दुलिल्लाह उसको वही कॉलेज मिला। ठीक, तो अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो चलो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस किस कॉलेज में अभी सीट्स वैकेंट हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस तीन है, ठीक है, जो कि वुमेन्स कॉलेज है, इसमें खाली अभी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो सीट्स अभी बची है, ठीक है, वही है बस, जो ओपन मेरिट जो भी कैटेगरी है उनके लिए कोई सीट अभी नहीं है। ठीक, उसके बाद लद्दाख में, लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए इसमें चार है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जीएमसी अखनूर ज़ीरो, इसमें भी कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें एक है। आप खुद देख लेना आप किस में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, इसमें एक है खाली किसके लिए, पीडब्ल्यू सीट से। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सीट से। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स है अभी अभी 19 है खाली, है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सीट से। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है, देखो आप अभी बहुत सारे सीट्स वैकेंट है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स वैकेंट है, तो आप टेंशन नहीं लेना। ठीक, इंशाल्लाह सबको मिल जाएगा कॉलेज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राइवेट कॉलेजेस सारे, इनमें भी अभी तकरीबन जो टोटल प्राइवेट कॉलेजेस है इनमें तकरीबन यहाँ पे लिखा है तकरीबन ये 892 सीट्स अभी वैकेंट है प्राइवेट में। ठीक है, तो आपको आराम से मिल जाएगा सबको। और जो गवर्नमेंट है टोटल प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के बीएससी नर्सिंग के लिए 911 सीट्स अभी वैकेंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, अभी भी है वैकेंट। आप यहाँ पे देखो बीएससी ओटी इन जीएमसी डोडा, इसमें है तीन सीट्स फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी। ठीक है, और रीना डायलिसिस में भी अभी चार सीट्स है। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी भी इसमें सीट्स बची हुई है गवर्नमेंट सीट्स। उसके बाद यहाँ पर अगर हम जीएमसी जम्मू की बात करेंगे, इसमें रीना डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए तीन है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तीन सीट्स है खाली, नहीं रेस्पिरेटरी के टेक्नोलॉजी के लिए तीन सीट्स बटी है, बट इसमें एक है। ठीक है, रीनल डायलिसिस, बट ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप जीएमसी कठुआ, इसमें है ओटी के लिए दो सीट्स अभी वैकेंट है। मैं ओपन मेरिट की बात करूँ, पीडब्ल्यूडी के लिए तो है एक इसमें। ठीक है, और जो रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है इसमें चार सीट्स अभी वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जीएमसी राजौरी की बात करूँगा, इसमें है इसमें कितने सीट्स है, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए फाइव सीट्स है। ठीक है, टोटल इसमें सिक्स सीट्स है। ठीक, उसके बाद अगर मैं जीएमसी अनंतनाग की बात करूं, इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बस खाली, यहां पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सीट्स अभी वैकेंट है। ठीक, और यहां पे देख सकते हैं आप इसमें टोटल जो पैरामेडिकल सीट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट वो है 25। ठीक है, 25 सीट्स है पैरामेडिकल फॉर जे एंड के एंड फॉर लद्दाख, देर आर 21 सीट्स लेफ्ट फॉर द पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेजेस है, आप खुद देख लेना। ठीक है, अभी तक जो प्राइवेट कॉलेजेस है इनमें कितने सीट्स है, यहाँ पे दिखाई देगा ये, एक सेकंड मैं दिखाऊंगा आपको। टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो पैरामेडिकल सीट्स है वो है 879। ठीक है, वहाँ पे भी बीएससी के लिए 800 है तकरीबन, वो गया 1600 प्लस सीट्स अभी भी वैकेंट है। ठीक है, तो आप सबको इंशाल्लाह मिल जाएगा। जो टोटल प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के है 904, वहाँ पे भी है 918 तकरीबन 1900 सीट्स अभी वैकेंट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह सबको मिल जाएगा, आप सब टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह सबको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से कल ये गवर्नमेंट कॉलेज सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सारे ख़त्म हो जाएंगे कल ही। ठीक, उसके बाद खाली प्राइवेट बचेंगे। ठीक, तो कल मैं देखूंगा कल तक कहाँ, मतलब कल नहीं तो है, मंडे से है ना अब। ठीक है, कल परसों नहीं जाना आपको, मंडे से अब। ठीक, तो मंडे को सारे जो ये कल नहीं, मंडे को सारे जो अभी जो गवर्नमेंट सीट्स अभी वैकेंट है बची हुई है वो उस दिन फिल हो जाएंगे, उसके बाद खाली प्राइवेट बच जाएंगे। ठीक, तो अगर किसी को कुछ भी और पूछना हो तो वो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।